guys, welcome back. This is Preeti from My Hot Chocolate. Hope you guys are doing really well. आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना वेट लॉस जर्नी ऑन पब्लिक डिमांड. बहुत लोग मुझसे मेरा वेट लॉस जर्नी पूछ रहे थे. अगर आप मेरा वीडियोस बहुत दिन से देख रहे हो तो आपको पता है मैं ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह नहीं शेयर करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में. इट्स बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट दैट मच कम्फर्टेबल. मे बी इन द फ्यूचर अगर मुझे ऐसा लगा कि नाउ आई कैन शेयर माई व्लॉग्स विद यू तब मैं शेयर कर सकती हूँ. बट राइट नाउ ऑन पब्लिक डिमांड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माई वेट लॉस जर्नी विच वॉज डिफिकल्ट बट इट वॉज फन. मुझे काफ़ी मज़ा आया. मैं ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ, रियली कीपिंग इट शॉर्ट. चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फॉर माई वेट लॉस स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, छोटे से मैं बहुत चब्बी रही हूँ और थोड़ी मोटी मोटी रही हूँ. मैं पतली कभी नहीं हुई. इट वॉज लाइक बहुत ही रेयर कि मैं पतली दिखूँगी. वेन आई वॉज इन हॉस्टल, मेरे हॉस्टल फ्रेंड्स अगर ये वीडियो देख रहे थे नो आई वॉज ऑलवेज लाइक चब्बी एंड मोटू वोटू एंड एवरी वन यूज टू पुल माई चीक्स. तो मुझे अच्छा नहीं लगता था. बट टिल स्कूल टाइम आई वॉज लाइक लिटिल हेल्थ. कॉलेज करने के लिए कोलकाता आई. वी शिफ्टेड टू कोलकाता. एक्चुअली मेरा घर यहीं पे है. हॉस्टल मैं देहरादून में थी. तो मैं जब कोलकाता आई कॉलेज में गई एंड मैंने फ्रेंड्स लोग से मिला. सो एक कॉलेज लाइफ ऐसा होता है, टीन एज लाइफ ऐसा होता है कि ऐसे तो यार पतला दिखना चाहिए, मेकअप करना चाहिए, स्टाइलिश दिखना चाहिए ताकि यू नो फ्रेंड्स अच्छे बने. ये सब सबके संग होता है. सो उस समय मैं थोड़ा शौक, मेरा थोड़ा शौक था कि मुझे भी पतला दिखना चाहिए. दैट टाइम आई जॉइन माई एयर होस्टेस कोर्स. तो मैंने एयर होस्टेस कोर्स भी किया था. उस बीच में पतले होने के लिए मैंने योगा ज्वाइन किया था. बट आई वॉज नॉट दैट थिन, उतना पतला मैं हुई नहीं थी. इट वॉज लाइक मैं वेट मेंटेन कर लिया था मैंने अपना. बहुत ज़्यादा पतली नहीं हुई थी एंड टू थ्री ईयर्स आई वॉज लाइक गुड इनफ. मेरा वेट भी अच्छा था. एयर होस्टेस कोर्स कम्प्लीट किया, अपना स्टडीज कम्प्लीट किया एंड देन कम्स द मेन पार्ट. फिर आई गॉट मैरिड. शादी के बाद जो मैं फूलना शुरू हुई, यू गाइज विल नॉट बिलीव, आई हैव रीच्ड 75 आफ्टर माई मैरिज. क्योंकि मेरा स्टडीज ओवर हो गया था, मैंने एम कॉम कम्प्लीट कर लिया था. आई वॉज ऑन माई लाइक सी एस फाइनल दे रही थी मैं. स्टडीज कम्प्लीट होने के बाद मैं जो फूल के मोटी हो गई थी, आई वेंट लाइक 72 और वो 75 हो गया था सडनली. After 2 years of my marriage, we decided for a child. हमने सोचा कि now it's time हमें you know future का सोचना चाहिए, एक baby सोचना चाहिए. तो उस time में थोड़ा difficulties हुई थी मुझे because of my body weight. It was little difficult for me to conceive. हमने doctor checkup वगैरह भी करवाया. Then she told me कि weight की वजह से आपको थोड़ा problem हो सकता है and there was chances PCOD का. तो मैंने सारे checkup वगैरह कराए but everything was fine. और डॉक्टर ने मुझे बताया दैट काइंड ऑफ सिस्ट का प्रॉब्लम है बट वो ठीक हो जाएगा अगर आप मेडिसिन लोगे. सो ओके फाइन. फिर हमने मैंने अपना मेडिसिन कंटिन्यू किया एंड एवरीथिंग वाज ओके. बट उसके बाद ही मैंने मतलब कंसीव नहीं किया था. सो हमने सारा डॉक्टर चेकअप और ट्रीटमेंट बंद कर दिया. फिर हम लोग ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें या वेट लॉस के लिए या तो जिम ज्वाइन करना पड़ेगा या तो योगा ज्वाइन करना पड़ेगा. बिकॉज मेरा वेट बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझे पेन होने लगे थे, यू नो बैक पेन्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे. फिर मैंने ट्रेडमिल स्टार्ट कर दिया, जॉगिंग स्टार्ट कर दिया, सुबह मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दिया, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी. मैंने जिम ज्वाइन नहीं किया था और मैं थोड़ा बहुत योगा करती थी. जो मैंने पहले का सीखा हुआ है वो सब मैं करने लगी. तो ट्रेडमिल करते करते यू नो लाइक अराउंड 3 to 4 months में मेरा वेट 75 से 68 किलोज हो गया था एंड आई कंसीव. इट वॉज लाइक नेचुरल कंसीविंग. सो उस समय जब हम लोग कंसीव कर लेते हैं आप वेट का नहीं सोच सकते हो. एवरीथिंग वॉज फाइन. 9 months वॉज अ गुड जर्नी. मैंने बहुत खाया पिया और सबसे अच्छा बात था मैंने बाहर का कभी खाना खाया ही नहीं. मैंने जो भी खाया घर का खाना खाया. आई लव ईटिंग माई वेजिटेबल्स, दाल, रोटी. मुझे घर का खाना बहुत पसंद है. मैं बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहती हूँ. और बेबी भी जब था मेरे पेट में तो भी मैं घर का खाना खाती थी. द ओनली थिंग वॉज मुझे मीठा का बहुत शौक था तो मैं मीठा बहुत खाती थी. एंड आई हैड लॉट ऑफ फ्रूट्स. मैंने वेजिटेबल्स बहुत खाया, दाल बहुत खाया, सब कुछ मैंने अच्छे से मेंटेन किया. मेरा वेट बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा था. इट वॉज लाइक 75 तक ही गया था. उसके बाद आफ्टर 9 months बेबी हुआ. एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अगर किसी को कंसीविंग का प्रॉब्लम हो रहा है और अगर ओवर वेट है आप अपने वेट पे ध्यान दो, आप नेचुरली कंसीव कर लोगे. डॉक्टर चेकअप वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है. मेरी प्रेगनेंसी के बाद मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, बेल्ट भी पहना, योगा भी ज्वाइन किया ताकि मेरा वेट जल्दी से जल्दी घटे. मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा हो गया था बिकॉज इट वॉज ऑपरेटेड. बहुत लोगों ने मुझे बोला कि नॉर्मल बेबी ट्राई करना अगर हो जाए तो. बट
इट वॉज माई डिसीजन, मैंने ऑपरेशन कराया था. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बेबी वॉज गुड, क्योंकि जो कॉर्ड होता है वो बेबी के गले में फंसा हुआ था. सो आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया और ऑपरेशन करा लिया, बिकॉज नॉर्मल में बहुत रिस्क हो जाता है उसमें. मैंने कहा यार वेट लॉस क्या, मैं मेहनत करके कम कर लूँगी, ये मैं कर सकती हूँ. आफ्टर माई बेबी क्या होता है, 6 months मुझे बेबी को पूरा ब्रेस्ट फीड में रखना था एंड आई कैन नॉट गिव हिम आउटसाइड फूड, वो सब मैं नहीं दे सकती. तो वो जो 6 months हम लोग ब्रेस्ट फीड करते हैं उसके लिए मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना खाना पड़ेगा और हेल्दी फूड खाने पड़ेंगे, ताकि बेबी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन दे सकूँ, कैल्शियम दे सकूँ. तो उस 6 months में क्या होता ना, मारवाड़ी के लोग में वी कॉल इट जापा, उसमें हम लोग बहुत अच्छा अच्छा चीज़ खाते हैं, लाइक लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स, मेवा, लड्डू, घी, बहुत कुछ खाना पड़ता है हमें, ताकि एक्चुअली हम लोग बेबी को वो प्रोटीन दे सके. तो वो 6 months मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत खिलाया. फिर आफ्टर 6 months मैंने क्या किया, मैं सोचा कि अब लाइक आई हैव टू ज्वाइन योगा, ताकि मैं अपना बॉडी वेट कंट्रोल कर सकूँ और बॉडी पेन जो है वो भी कंट्रोल कर सकूँ. तो मैं योगा सेंटर गई थी, वहाँ पे मैंने जब अपना वेट चेक किया, वहाँ मुझे पता चला कि मेरा वेट 82 kilos हो गया था. उस रात मुझे नींद नहीं आया, दैट डे वाज द डे मुझे नींद नहीं आया. और मेरे हस्बैंड लिटरली घट जाएगा, अभी तुम मदर हो, अभी तुम ब्रेस्ट फीड करती हो, कोई बात नहीं, पूरा रात मुझे समझाता रह गया. और मुझे टेंशन में नींद ही नहीं आया कि मेरा वेट 82 kilos चला गया. और मेरा यूट्यूब चैनल भी चल रहा था, आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल लाइक इन 2016 जब मैं लाइक मैरिड करके घर पे ही थी. तो ऐसा कुछ काम नहीं था, मैं ऑफिस का ही काम वगैरह करती थी अपने हस्बैंड के साथ. तो फिर मैंने 2016 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, फ्रॉम दैट टाइम आई स्टार्ट एंड 2017 में आई कंसीव्ड. 2018 में बेबी मेरा 1 साल का हो गया एंड नाउ 2019 2 साल का होने वाला मेरा बेबी. फिर उसके बाद फुल रात हम लोग पूरा टेंशन में थे. फिर मैंने योगा ज्वाइन किया, मेरी योगा ट्रेनर मुझे घर आके रोज आधा घंटा 45 minutes योगा सिखा के जाती थी एंड देन आई यूज़ टू डू ट्रेडमिल, वो दोनों मैं साथ में करती थी. और मैंने खाने पे पूरा कंट्रोल कर लिया, मैंने मीठा एकदम बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए, कुछ ताकि मेरा वेट एक बार गिरना शुरू हो जाए. तो दैट टाइम मेरा वेट एकदम अच्छे से गिरने लगा था. फ्रॉम 82 आई रीच्ड 76. मैंने 3-4 months योगा किया था. उसके बाद एटलीस्ट आई थिंक 5 months योगा किया था. फिर हम लोग घूमने फिरने चले गए थे एंड देन जब 1 year हो गया मुझे मेरे बेबी को, आई केम बैक फ्रॉम माई हॉलीडेज, लाइक आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद मैं वापस आई, मैंने तब जिम ज्वाइन किया एंड आई हैव अ ट्रेनर, आई मीन वो मुझे सब कराती है, शी इज़ गुड, शी इज़ क्वाइट गुड. तो वो मुझे सब ट्रेनिंग कराती है एंड विद इन 6 months मैंने 82 से आई वेंट टू 61 kilos. अभी इस समय मेरा वेट 61 है. मैं बहुत ज़्यादा और कम नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि आई एम स्टिल ऑन ब्रेस्ट फीड, मैं बेबी को फीड करती हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे खाना पड़ता है. तो मैं बहुत ज़्यादा डाइट भी नहीं फॉलो करती हूँ, इट्स जस्ट मैं अपना डाइट कंट्रोल करती हूँ. मैं आपको बताती हूँ, खाने पीने से कुछ नहीं होता है, आप अच्छा और हेल्दी खाओ. और मेरा आदत है मैं बाहर का खाना खाना पसंद ही नहीं करती हूँ. इट्स ओनली व्हेन जब मैं घूमने जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ या हॉलीडेज पे जाती हूँ तभी मैं बाहर का खाना खाती हूँ. जब मैं घर आ जाती हूँ आई डोंट लाइक टू ईट बाहर का खाना, फुचका मूढ़ी मुझे कम पसंद है. इट्स लाइक 6 महीना में मैं एक बार खाऊंगी अगर शौक आया तो, नहीं तो मैं घर के पूरे वेजिटेबल्स खाती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ. आई टेक लॉट ऑफ वाटर, एटलीस्ट 4 liters तो मेरी ट्रेनर ने मुझे बोला है लेने के लिए. तो उसमें क्या होता है, मैं दूध भी लेती हूँ एंड आई टेक प्रोटीन. तो खाने से कुछ नहीं होता है, इट्स आपको हेल्दी खाना है. आप सोचोगे कि मैं बाहर का खाना खाते रहे और जिम भी करेंगे तो भी आप पतले नहीं होंगे. आप कोई भी एक्सरसाइज करो, योगा इज समथिंग जो वेट रिड्यूस करेगा, बट वो थोड़ा स्लो है. और जिम एक ऐसा है जिसमें आपका फास्ट वेट रिड्यूस हो जाएगा और आपको मतलब मेंटेन रखेगा आपका बॉडी फिगर. आई शेयर अ वीडियो, मैं अपने वेट लॉस के लिए क्या क्या खाती हूँ, आई शेयर अ वीडियो विद यू गाइस, विच इज़ वेरी इजी, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लगा मुझे, बट इट वॉज फन. मुझे मेरा वेट लॉस जर्नी करने में बहुत मज़ा आया. मैंने वेट लॉस के बाद बहुत कुछ नोटिस किया, मेरा बैक पेन बहुत कम हो गया, मेरे अंदर का जो शरीर में मुझे लगता है फुर्ती बहुत आ गया. मैं फट काम कर लेती हूँ, बाहर जाना हो तो मुझे मैं जल्दी से निकल जाती हूँ, बेबी को लेकर स्कूल जाना हो, लेके आना हो, मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती हूँ. ये चीज़ मैंने रियलाइज किया. सो दिस इज हाउ आई रिड्यूस्ड माई वेट. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको मेरा ये वेट लॉस जर्नी काफ़ी मज़ा आया हो. Stay fit, stay healthy, and I'll see you guys really soon. Bye!